नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग द रियल होम्योपैथिक एस्पेक्ट। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट जो 25 पेशेंट्स लगभग मैंने पिछले 3 दिनों में म्यूकोरमाइकोसिस के डील किए हैं, जिनको मैंने ट्रीटमेंट दिया है, उसके साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या सही तरीका है अपने कोविड पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस से बचाने का, और सही तरीके से आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ होम्योपैथी में वास्तव में इफ़ेक्टिव साबित हो रही हैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिएगा, रियल होम्योपैथी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस में म्यूकोरमाइकोसिस पर काफ़ी बात कर चुका हूँ, तो बिल्कुल डायरेक्टली पॉइंट पे आएंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, जो यहाँ पर डायग्नोसिस है बेसिकली, जो आँख को इफेक्ट कर रही है म्यूकोरमाइकोसिस की, उसको हम बोलते हैं फंगल ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, लगभग जो रिसर्च बताती है more than 50%। दूसरी बड़ी बात क्या है, किसको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, वो पेशेंट्स जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड है, उनमें लगभग 60-70% पेशेंट्स को म्यूकोरमाइकोसिस अफेक्ट कर रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका रास्ता है जिसके थ्रू ये बेसिकली पेशेंट को इन्फेक्ट कर रहा है, वो 2 तरीके हैं। नंबर 1, ये तो या तो नेजल ट्रैक्ट के थ्रू आपके साइनसेस को अफेक्ट करता है, साइनसेस में जाके ये आपके ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बोसिस या क्लॉटिंग करता है, और क्लॉटिंग के बाद वहां पर जो है नेक्रोसिस कर देता है या सड़न पैदा कर देता है। एक तो तरीका यह है। दूसरा, डायरेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ये जाता है और किसी ना किसी जो स्पेसेस होती हैं माइक्रो स्पेसेस, उसके थ्रू ये डायरेक्टली आपके ऑर्बिट्स को, आपकी आंखों को अफेक्ट कर देता है। तो ये 2 रस्तों के थ्रू अफेक्ट कर रहा है। अब इसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि बचना कैसे है, इससे प्रिकॉशन का तरीका क्या है। दूसरी बात समझ लीजिए कि अब इसमें यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि आपके पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। तो जितने 25 केसेस लगभग मैं इधर डील कर रहा हूँ, सब में जो चीज़ें कॉमन थी उनके बारे में बात करेंगे। हुआ क्या है पेशेंट्स को, सबसे पहले पेशेंट को, पोस्ट कोविड पेशेंट जितने भी थे जिनका ब्लड शुगर हाई था, इनके बारे में बात करेंगे। सबको हल्का सा पहले फीवर आया, जब फीवर एलिवेट हुआ उसके संग में पेशेंट को साइनोसाइटिस के सिम्टम्स आए, यानी नाक नेजल ब्लॉकेज उनको लगी, बहुत जो डिस्चार्ज था, नाक का डिस्चार्ज था, नेजल डिस्चार्ज, वो बहुत ज़्यादा थिक था, वॉटरी बिल्कुल नहीं था, कुछ केसेस में तो एकदम ब्लडी आया, ब्लैकिश आया। इसके अलावा पेशेंट को पेन होने लग गया, कौन से एरियाज़ में, जो साइनसिस के एरियाज़ हैं, आपके एथमॉइडल साइनसिस, आपके फ्रंटल साइनसिस, ये पूरा एरिया पेशेंट का सब में पेन हो गया। उसके बाद फिर पेशेंट को क्या हुआ, यहाँ पर हल्का सा कफ रिफ्लक्स भी थोड़ा सा लगा। कुछ पेशेंट्स के अंदर जो टूथ एरियाज हैं, ये दांत हैं, दांत के आसपास पेशेंट को पेन हुआ, जॉस के आसपास पेशेंट को पेन हुआ, जो आपका यहाँ पे तालू है, तालू के आसपास पेशेंट को पेन हुआ, जीभ के ऊपर, इन एरियाज में पेन हुआ। इसके बाद मेन जो तरीके, जो कुछ पेशेंट्स, जो मेन पेशेंट्स थे, उनके अंदर तकलीफ क्या हुई कि इसके बाद जो वो पेन था वो आपका रेडिएट हो गया टूवर्ड्स आई, आँख के आसपास हल्की सी स्वेलिंग उनको लगी, उन्हें भारीपन महसूस हुआ। भारीपन महसूस होने के बाद जो उनके आँख का पर्टिकुलर ऑर्बिटल एरिया था, यहाँ पे स्वेलिंग आने लग गई, पेन होने लग गया, उनका जो कंजक्टाइवल है, ये आँख के सफ़ेद लेयर होती है, यहाँ पे पेन शुरू हो गया, यहाँ पे रेडनेस आ गई, ये भारी हो गई, मतलब ऐसा लगा उन्हें भारीपन हो रहा है। तो देखने में दूर से लग रहा है जैसे कि उनकी आँख बिल्कुल बाहर आ गई है, जो अपर लिड है आई की उसके अंदर टॉसिस हो गया, यानी वो नीचे की तरफ पलक गिर गई है, पलक उठ नहीं पा रही है, सेमी कुछ पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो रही है। वहाँ पर ही नहीं, कंजक्टाइवा में भी पैरालिसिस हो रहा है, पेशेंट को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे करके जो पेशेंट का विजन है, वो विजन पहले ब्लर होता है, उन्हें हल्का सा ब्लर दिखाई देता है, फिर उसके बाद पेशेंट को लगता है जैसे कि विजन मेरा डिम हो गया है, पहले के मुकाबले रोशनी कम महसूस हो रही है, और फिर बिल्कुल दिखना बंद हो जा रहा है। और जब आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हो, पेशेंट की फोटोग्राफ देख रहे हो, तो वहाँ पर आपको लग रहा है कि जो आँख का आयरस है उसके ऊपर बिल्कुल व्हाइट कलर की लेयर बन जा रही है, पर वो सर्कुलर नहीं है, जैसे कि आपके कैटरेक्ट के अंदर सर्कुलर लेयर होती है, सर्कुलर नहीं है, ये लगभग ओवल शेप्ड एक लेयर है, या फिर ये पार्शियल आपके आयरस को कवर कर रही है। तो यहाँ पर पेशेंट्स के अंदर बेसिकली ये हो रहा है, और इसकी वजह से उसके बाद जब नेक्रोसिस हो जा रहा है, तो नेक्रोसिस में बिल्कुल आपको अलग से ब्लैक कलर की लेयर दिखाई देगी, ब्लैक डिस्चार्ज मिलेगा नोज़ में से, कुछ पेशेंट्स में तो हल्का सा आइस से भी, कुछ में पस्चुलर डिस्चार्जेस हो रहे हैं, किस में वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, किसी किसी पेशेंट के अंदर तो रेडनेस इतनी ज़्यादा है कि ब्लडी डिस्चार्ज शुरू हो जा रहा है। और उसके बाद जो नेक्रोसिस के मैंने पेशेंट्स देखे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, बिल्कुल नाक के आसपास ये पूरा एरिया उनका बिल्कुल ब्लैक हो गया, नेक्रोस्ड हो गया, काला पड़ गया है, काले के ऊपर येलो कलर की एक जो है लेयर आ गई है। तो ये इतनी ख़राब कंडीशन हो जा रही है, और ये सारी चीज़ें कितने दिन में हो रही हैं, 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स के बीच में तो आँख इफेक्ट कर रही है, और जैसे ही ये 72 आवर्स प्रोलॉन्ग कर जा रहा है तो नेक्रोसिस बढ़ जा रही है। तो समझ लीजिए कितनी ज़्यादा रैपिडली प्रोग्रेसिव है ये म्यूकोरमाइकोसिस।
तो अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि कैसे आप अपने पेशेंट को बचा सकते हैं म्यूकर माइकोसिस से, प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं। देखिए प्रिवेंशन का तरीका बहुत सीधा और सिंपल है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले तो जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हैं आप उनके अटेंडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर से बात करिए, स्टाफ से बात करिए, वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनके स्टरलाइजेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, जो स्टरलाइज हो सकते हैं, जो सैनिटाइज हो सकते हैं उनके सैनिटाइजेशन पर ध्यान दीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे, जो अगर आपका पेशेंट होम आइसोलेशन में है तो ऑक्सीजन टैंक के संग में जो ह्यूमिडिफायर जिसमें पानी भरा होता है बॉटल के अंदर, उस ह्यूमिडिफायर को प्रॉपरली सैनिटाइज करिए, उसे प्रॉपरली स्टरलाइज करिए, जो सिलिकॉन ट्यूब है जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है उसको प्रॉपरली आप सैनिटाइज करिए, स्टरलाइज करिए, मास्क जो पेशेंट यूज़ कर रहा है उसे सैनिटाइज या स्टरलाइज करिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर अवेलेबल है तो जो मास्क पेशेंट यूज़ कर रहा है आप उसको 24 आवर्स पे या तो बदल दीजिए या फिर दो मास्क रख लीजिए, जो एक को स्टरलाइज करिए, 24 आवर्स के बाद दूसरे वाले को इस्तेमाल करिए। तो इस तरह से अगर आप इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने पेशेंट को म्यूकर माइकोसिस से बचा सकते हैं। देखिए कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ बहुत मैजिकल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे हैं कुछ म्यूकर माइकोसिस के पेशेंट्स के अंदर, एंड आई एम सॉरी टू से एंड आई एक्सेप्ट आई हैव लॉस्ट अ फ्यू पेशेंट्स एज वेल एंड आई एम रियली सैड अबाउट इट। लेकिन हाँ, आई एम हैप्पी कि कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ की वजह से मैंने अपने कुछ पेशेंट्स की सहायता करी और उनको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया, मैजिकल इंप्रूवमेंट आया। कौन कौन सी दवाइयाँ थी ये भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ आपके संग। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी वॉज साइलिशिया, देन वॉज हिपरसर्फ, देन इट वॉज आर्सेनिक, देन इट वॉज बेलाडोना, देन एपिस मेलिफिका, देन सिकल कॉर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थूजा, लास्ट में काली आयोड। तो ये सारी दवाइयाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी दवाइयाँ मैंने, इनमें से ज़रूरी नहीं है सब दवा दी है, मैंने किसी पेशेंट को एक दवाई दी है, किसी को दूसरी दवाई दी है, अलग अलग मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी हैं एज़ पर द सिम्टम्स। 3 या 4 केसेज ऐसे भी थे जिसमें सेम मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब हुई थी एज़ पर दिया कंडीशन। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स से बोलना चाहूँगा और होम्योपैथिक डॉक्टर से भी बोलना चाहूँगा, दवाई इम्पॉर्टेंट नहीं है, दवाई की पावर पोटेंसी इम्पॉर्टेंट है, उसका रिपीटेशन इम्पॉर्टेंट है, आपने किस तरह से पेशेंट को दी है वो इम्पॉर्टेंट है। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, दवाई तो इम्पॉर्टेंट है ही है, सिलेक्शन आपने करना बहुत ज़रूरी है, किस पावर में देना है, कितनी बार रिपीट करना है और किस तरह से मरीज़ को देना है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आई शुड से कि भाई ये म्यूकर माइकोसिस इतना रैपिडली प्रोग्रेसिव है आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन इनिशियल सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं अगर आपके पेशेंट को लगता है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। अगर आप टाइमली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लेंगे तो मैं मान सकता हूँ, कह भी सकता हूँ, जिस तरह मैंने इंप्रूवमेंट दिया है पेशेंट्स को, आपके पेशेंट में भी इंप्रूवमेंट आया। तो आई होप कि आप रियल होम्योपैथी को अब समझ रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इसी तरह सही जानकारियाँ आप तक पहुँचा पाऊँ। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।